नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है खबर का। आपको बता दें, लंबे अरसे बाद स्क्रीन पर शाहरुख खान की वापसी होने जा रही है। आज शाहरुख की फिल्म पठान सिनेमा घरों में दस्तक दे चुकी है। इस फिल्म की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि इस फिल्म का विरोध हिंदू संगठन कर रहे हैं। बता दें कि संगठनों ने विरोध के बाद सेंसर बोर्ड फिल्म पर कैंची चला चुका है। हिंदू संगठनों ने कई शहरों में थिएटरों के मालिकों को चेतावनी भी दी है, थिएटर को बंद करवाने की धमकी भी दी गई। बावजूद इसके फिल्म पठान थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और फिल्म देखने के लिए फैंस सुपर एक्साइटेड हैं। सिनेमा घरों के बाहर लोगों की भीड़ लगी हुई है। बता दें कि कई शहरों में फिल्म पठान का विरोध किया गया, इसके बावजूद भी आज फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। वहीं शाहरुख खान के फैंस इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। बता दें कि खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां विवादों के बीच भी पठान फिल्म को देखने के लिए फैंस वहां पर सुपर एक्साइटेड दिख रहे हैं। सिनेमा में दर्शकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देखिए, जो मांग आपने करी है और हम उसमें पूरी तरह सहमत हैं, जो हमारे भाई लोग चाहते हैं हम प्रयास करेंगे वैसा ही हो, बाकी आगे के दिशा निर्देशों का पालन करें, जो भी शासन प्रशासन का आदेश होगा। क्या मांगी है लोगों ने? इन्होंने ये कहा है कि जो मूवी आई है पठान, उसके संबंध में उसका सोशल बायकॉट किया जाए। तो उसके लिए अगर सोशल चाहती है तो करें, हमें उसमें कोई इतराज़ नहीं है, बाकी हम आपके साथ हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। वही बॉलीवुड है जो धीरे धीरे समाज में जो जाति मतभेद खत्म हो रहा था, इस बॉलीवुड के ही माध्यम से वो जाति मतभेद बढ़ रहा है। इसलिए इसे बॉलीवुड को समझाने का जो सबसे अच्छा प्रयास है समाज के द्वारा किया गया है, बॉयकॉट ट्रेंड इतना तेजी से चला फिर भी यह मूवी रिलीज हो रही है। हम सभी सिनेमाघरों से आग्रह कर रहे हैं कि जो जो भारतीय सभ्यता को खराब करने का प्रयास कर रहा है उनको हम मुंह तोड़ जवाब दीजिए, और साथ में कहीं पर भी किसी भी प्रकार से इन जो पाकिस्तानी प्रेमी हैं, जो पाकिस्तान का प्रेम करते हैं, उनका कहीं से भी किसी भी प्रकार का कोई सहयोग ना किया जाए। ये कुछ संगठनों द्वारा इस मूवी का विरोध किया गया था, उस संदर्भ में चौकसी बरती जा रही है, जगह जगह पे पुलिस फोर्स तैनात है। मुख्य उद्देश्य हमारा कानून व्यवस्था बनाए रखना है, शांति व्यवस्था बनाए रखना है। और इस खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जीशान जुड़ेंगे आगरा से, और वहीं संवाददाता लखनऊ से जुड़ेंगे अनिल, माफ कीजिएगा, कानपुर से अनिल जुड़ेंगे। बता दें कि देखिए, जिस तरीके से बेशरम रंग को हिंदू संगठनों ने विरोध किया था पठान फिल्म को लेकर, सेंसर बोर्ड ने उस पर अपनी कैची चला दी है, तो इसके बावजूद भी हिंदू संगठन विरोध क्यों कर रहा है पठान का? जीशान जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, लगातार हिंदू संगठन ताजनगरी आगरा में सिनेमा घरों में विरोध कर रहे हैं। कल भी हिंदू संगठनों ने आगरा के सिनेमा घरों में विरोध किया था और पोस्टर फाड़े थे, पोस्टरों पर स्याही फेंकी थी। अगर हम आज की बात करें तो आज भी हिंदूवादी संगठनों द्वारा, अखिल भारत हिंदू महासभा के द्वारा सभी सिनेमा घरों में मूवी रिलीज हुई है, काफी भीड़ मूवी को देखने के लिए आ रही है, लेकिन हिंदूवादी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, स्याही फेंकी जा रही है। हालांकि पुलिस प्रशासन की बात करें, कल जो हिंदूवादी संगठनों ने विरोध किया था तो वहां आगरा पुलिस की काफी कमी नजर आई थी। खूफी और एलआईओ की बात करें तो एलआईओ की भी जानकारी नहीं थी, थाना रकाबगंज पुलिस मौजूद नहीं थी। उसके बाद थाना रकाबगंज पुलिस ने हिंदूवादी संगठनों पर एक मुकदमा दर्ज किया है, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान की जाएगी। लगातार हिंदूवादी संगठन पठान मूवी का विरोध कर रहे हैं। जी जी अनिल, कानपुर में क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है वहां पर? बायकॉट का एक चल रहा ट्रेंड चल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसका कानपुर में कुछ खासा असर देखने को नहीं मिला है। कहीं ना कहीं मॉल और थिएटरों में लगातार भीड़ बनी हुई है और लगभग सभी जितने भी हॉल हैं सभी फुल इस टाइम फुल नजर आ रहे हैं। इसके अलावा बता दूं कि जिस हिसाब से कमिश्नर कमिश्नर ने और कानपुर पुलिस ने कमर कस ली है,
प्रदर्शन होता है तो उसके लिए और उनपे जो जितने लोग जिस पे कार्रवाई करेंगे उस पर बड़ी आपत्ति जाहिर करेंगे उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी और जितने मॉल थिएटर है सभी पे पुलिस ने पुलिस बल तैनात कर दिए गए ताकि किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाए। जी देखा जाए तो शाहरुख खान की पठान फिल्म जो है 4 साल बाद शाहरुख सिनेमा पे वापसी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके जो फैंस हैं काफी एक्साइटेड हैं इस फिल्म को लेकर। जी बता दूं कि जिस हिसाब से शाहरुख खान और टीम की पीआर टीम ने और पठान की पीआर टीम ने जिस तरीके से ट्रेंड होने के बाद काम किया था तो कहीं ना कहीं उसका अच्छा खासा साथ देखने को शाहरुख खान को मिलना है और कहीं ना कहीं शाहरुख खान को इसमें एक जीत बड़ी जीत मिली है। और इसके अलावा बता दूं कि हिसाब से एक स्टेज पे सलमान खान अमिताभ बच्चन ने जगह जगह अमिताभ बच्चन ने जगह जगह पे स्टेज पे जवाब दिए थे और ट्रेंड को खत्म करने के लिए बोला गया था तो कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा असर देखने को मिला है जो कि आज थिएटरों में देखने को मिल रहा है। थिएटर के जितने भी थिएटर मॉल है सभी हॉल फुल है। अब देखने वाली बात होगी कि अब वीकेंड तक इसकी कमाई कहाँ तक जाती है। जी जीशान देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि फिल्मों को लेकर जो नेता हैं वो फिल्मों को अपना लेकर बयान ना दें लेकिन इसके बावजूद भी हिंदू संगठन लगातार विरोध कर रहा है। मूवी का जब से ट्रेलर रिलीज हुआ है हिंदूवादी संगठनों द्वारा इसका लगातार विरोध किया जा रहा है और आज पठान मूवी का रिलीज का दिन है और रिलीज वाले दिन काफी बड़ी संख्या में पठान मूवी देखने के लिए लोग आ रहे हैं, एक्साइटेड हैं लोग और उसी समय हिंदूवादी संगठन भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि इस पे जो देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपने बयान भी दिए हैं कि किसी तरीके की मूवी को लेकर कोई अपना बयान नहीं दे लेकिन हिंदूवादी संगठन लगातार विरोध कर रहे हैं। आगरा पुलिस की अगर बात करें हम तो आगरा पुलिस भी आज कल का विरोध प्रदर्शन देख के आगरा पुलिस काफी सतर्क हो गई है। आगरा पुलिस के द्वारा सभी सिनेमाघरों पर पुलिस बल तैनात किया गया है और किसी तरीके की कोई अराजकता न फैलाए इसी को लेकर आगरा पुलिस ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है अज्ञात के खिलाफ। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। जी तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जीशान। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस